बी एंड बी एस सी पार्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पवन की अपर धनात्मक तथा निक्षेप नात्मक। यानी अपर धनात्मक और निक्षेप नात्मक। अपर्दन तो किसे कहा जाता है? चट्टानों के अपने स्थान पे जो टूटने की क्रिया है उसको अपक्षय कहा जाता है, और अपक्षय की क्रिया के फलस्वरूप जो टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं वो एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो क्या कहलाता है? अपर्दन। जल या नदी के द्वारा तो जो कंकर पत्थर के अवशेष या टुकड़े हैं वो बहते हुए जाते हैं, और पवन के द्वारा उठते हुए जाते हैं। पवन के द्वारा जो अपर्दन या निक्षेपण का कार्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि आज विश्व के जो अधिकांश भाग है वहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, और उन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण से वहां का अधिकांश भाग शुष्क है, और शुष्क होने के कारण से उस भाग को किसमें लिया जाता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में लिया जाता है। अतः पवन के द्वारा जो अपर्दनात्मक कार्य होगा या जो निक्षेपणात्मक कार्य होगा वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल का अभाव पाया जाता है। आज विश्व के जितने भी बड़े मरुस्थल हैं, सहारा हुआ, थार का मरुस्थल हुआ, मंगोलिया हुआ, मंचूरिया हुआ, अरब के मरुस्थल हुए, इनमें इसी प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। इन क्षेत्रों में तीव्र गति से पवन चलती है, और मार्ग में जो चट्टानें आती हैं उन चट्टानों को कमजोर कर देती है। कमजोर करने के साथ में उन चट्टानों में कटाव भी लगाती है, और लास्ट में जब ये बारीक रेत के कण हो जाते हैं तो पवन इनको उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाती है। तो पवन के द्वारा जो अपर्दनात्मक कार्य होगा वो तीन क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। एक अपवहन आता है, अपकर्षण और संयोग। पवन के द्वारा जो अपर्दनात्मक कार्य संपन्न होगा वो तीन क्रियाओं के द्वारा होता है, अपवहन के द्वारा, अपकर्षण के द्वारा और सन्निघर्षण के द्वारा। अपवहन का तात्पर्य होता है उड़ा नहीं जाना। अपवहन का अर्थ क्या होता है? उड़ा ले जाना, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब तीव्र गति से पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है तो मार्ग में जो पड़ने वाली चट्टानें हैं उन चट्टानों को ढीला कर देती है, क्योंकि पवन का वेग क्या होता है? अधिक होता है। और जैसे ही वहां से वो चट्टानें ढीली हो जाती है तीव्र गति से प्रवाहित पवन इनको अपने साथ ले जाती है। इस प्रकार का जो कार्य है नग्न चट्टानों में अधिक संपन्न होता है। नग्न चट्टानों से मतलब होता आवरण रहित चट्टानी, वे चट्टानी जिन पर वनस्पति का किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है,
उस प्रकार की चट्टानों में ये वाली क्रिया क्या होती है? अधिक होती है। जो कोमल चट्टानें पाई जाती है उनमें अपवहन की क्रिया अधिक होती है और उन चट्टानों में अपवहन की क्रिया का प्रभाव भी क्या होता है? जल्दी होता, अधिक होता है। जबकि कठोर चट्टानें जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां पर अपवहन की क्रिया का प्रभाव क्या होता है? कम होता है। तो अपवहन का अर्थ क्या होता है? उड़ा ले जाना होता है, जिसके कारण से तीव्र गति से संचालित पवन रेत या धूल के कणों को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाए। दूसरी बात आती है अपघर्षण। जब तीव्र गति से प्रवाहित पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो मार्ग में पड़ने वाली जो चट्टाने हैं उनको घिसकर अपने साथ ले जाती है। मार्ग में पड़ने वाली जो चट्टाने हैं उनको घिसकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो इस क्रिया को अपकर्षण कहा जाता है। क्योंकि पवन के साथ में रेत या धूल के कण पाए जाते हैं और जो रेत या धूल के कण पाए जाते हैं वो ब्रह्मा या छेदक यंत्र का कार्य करते हैं और जब ये ब्रह्मा या छेदक यंत्र का कार्य करते हैं तो इन चट्टानों को अपने साथ में ले जाते हैं। क्योंकि ये चट्टानें अपवाहन क्रिया के कारण से पहले ही क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है और जब रेत या धूल के कण इनमें कार्य करते हैं तो ये और भी घिस जाती है। इस प्रकार से चट्टानों के घिसने की क्रिया क्या कहलाती है? अपकर्षण कहलाती है। इसके बाद में आता सन्निकर्षण। जब पवन के साथ में रेत या धूल के कण चलते हैं तो इन कणों का आकार मोटा होता है, लेकिन जैसे इनमें सन्निकर्षण की क्रिया होती है ये रेत के कण और भी महीन हो जाते हैं। अर्थात पवन के साथ चलने वाले जो रेत या धूल के कण हैं जब ये आपस में रगड़ खाते हैं तो आपस में रगड़ खाने के कारण से ये और भी क्या हो जाते हैं? महीन हो जाते हैं, जिसके कारण से पवन इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अर्थात इनका पवन परिवहन आसानी से कर सकती है और इसी के कारण से बालू का स्तूप और लोयस जैसे कुछ रेत के कण तो इतने हल्के हो जाते हैं या इतने महीन हो जाते हैं कि वायुमंडल में निलंबित अवस्था में हो जाते हैं और उसके कारण से धुंध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो रेत के कणों के आपस में जो टकराने की क्रिया है ये क्रिया क्या कहलाती है? सन्निकर्षण कहलाती है। तो पवन के द्वारा जो अपर्धनात्मक कार्य होता है वो अपवहन के द्वारा होता है, अपकर्षण के द्वारा होता है और सन्निकर्षण के द्वारा होता है। इसके बाद में आता है पवन अपर्धन को प्रभावित करने वाले कार्य। यानी पवन के द्वारा जो अपर्दन का कार्य है वो अधिक होगा या कम होगा, तो इसको प्रभावित जो करने वाले कारक हैं उनमें सबसे पहले आता है पवन का वेग। दूसरा आता है रेत तथा धूली कणों की मात्रा। तीसरा आता है तेल की संरचना। और चौथा आता है जल।
सबसे पहली बात करते हैं अपन पवन का वेग। रेत तथा जो धूल के कण होते हैं वो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो किसके द्वारा जाते हैं? पवन के द्वारा जाते हैं। और पवन का वेग जितना अधिक होगा उस पवन में रेत तथा धूल के कणों की मात्रा उतनी क्या होगी? अधिक होगी। क्योंकि अगर मंद गति से प्रवाहित पवन है तो वो चट्टानों को तोड़ने में असमर्थ होती है, लेकिन अगर तीव्र गति से प्रवाहित पवन है तो वो चट्टानों को आसानी से तोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि मंद गति से प्रवाहित पवन में रेत या धूल के कणों को तोड़ने की सामर्थ्यता कम होती है, क्योंकि उसका वेग क्या होता है? कम होता है। जबकि तीव्र गति से अगर प्रवाहित पवन है तो उसमें रेत और धूल कणों की मात्रा अधिक भी पाई जाती है, और अधिक होने के कारण से वो उनको तोड़ने में क्या होती है? समर्थ होती है, उसका सामर्थ्य अधिक होता है। दूसरा आता है रेत तथा धूली कणों की मात्रा। अब पवन का वेग जितना अधिक होगा उस पवन में रेत तथा धूल के कणों की मात्रा उतनी क्या होती है? अधिक होती है। पवन का वेग जितना अधिक होगा उस पवन में रेत तथा धूल के कणों की मात्रा उतनी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। और जितने उसमें रेत तथा धूल के कण होंगे वो उतना ही अपवर्तन का कार्य करते हैं। क्योंकि रेत या धूल के कणों में अगर निचले स्तर पे रेत तथा धूल के कण अधिक पाए जाते हैं तो उसमें अपवर्तन का कार्य उतना ही अधिक संपन्न होता है। क्योंकि तीव्र गति से प्रवाहित पवन के साथ में अगर रेत या धूल के कण पाए जाते हैं तो ये ब्रह्मा या छेदक यंत्र का कार्य करते हैं। ये अपकर्षण की क्रिया संपन्न करते हैं, सन्निकर्षण की क्रिया संपन्न करते हैं। और जब ये अपकर्षण की क्रिया संपन्न करते हैं तो उसी क्षेत्र के मार्ग में पड़ने वाली जो चट्टाने हैं उनको भी अपने साथ तोड़ते हुए ले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसमें रेत तथा धूल के कणों की मात्रा उतनी अधिक होगी, उतनी उसमें अपरदन की क्रिया भी क्या होगी? अधिक संपन्न होगी। तीसरी बात आती है शैल की संरचना। चट्टाने दो अवस्था में पाई जाती है, एक कठोर होती है और दूसरी कोमल होती है। एक सतीज अवस्था में पाई जाती है और दूसरी लंबत अवस्था में पाई जाती है। कठोर चट्टानों में पवन के द्वारा अपरदन का प्रभाव न के बराबर होता है। न के बराबर क्यों होता है? क्योंकि इनका संगठन अधिक होता है, ये संगठित होती है। अतः इनमें पड़ने वाली जो अपरदन की क्रिया है वो कम संपन्न होती है, क्योंकि ये नीचे वाली जो कोमल चट्टाने होती है उनको भी आवरण प्रधान करती है, और आवरण प्रधान करने के कारण से इनमें कटाव की क्रिया कम संपन्न होती है। दूसरी बात करें अपन कोमल चट्टाने, कोमल चट्टाने असंगठित होती है, और असंगठित होने के कारण से थोड़ी बहुत भी अगर पवन चलती है तो ये वाली चट्टाने आसानी से टूट जाती है। अतः इन पे अपरदन का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो कठोर चट्टानों में अपरदन का प्रभाव कम होगा, जबकि कोमल चट्टानों में अपरदन का प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। उसी प्रकार से अगर चट्टाने एक सतीज अवस्था में पाई जाती है तो इन पे अपरदन परत दर परत उखड़ने में कठिनाई आती है, और जबकि लंबवत चट्टाने हैं जैसे टूटेगी नीचे गिर जाएगी
अतः दूसरी चट्टान को टूटने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, अतः इनमें अपरदन का प्रभाव अधिक होता है। लास्ट बात करते हैं अपन जलवायु की, बात करें तो पवन के द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य संपन्न होता है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्थात जिन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है पवन के द्वारा अपरदनात्मक कार्य वही संपन्न होता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है और तापांतर भी अधिक पाया जाता है। तापांतर अधिक होने के कारण से वहां पर पवन का वेग भी क्या होता है? अधिक होता है। तो जितना पवन का वेग अधिक होगा उतना ही अपरदन क्या होगा? अधिक होगा। ये वाला कार्य कौन से क्षेत्र में संपन्न होगा? जहां पर जलवायु शुष्क पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।